क्या क्या आपकी प्रोजेक्ट आने वाली बैक टू एक्शन? अभी बहुत सारी फिल्में हैं सर, जैसे अभी इंस्पेक्टर हाफिज सिंह, फिर इसके बाद जस्ट आने वाला है, बहुत सारी फिल्में हैं अपकमिंग, अभी कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है। सर कौन जी का बर्थडे था उनके बारे में क्या कहेंगे आपने? बहुत सारे गाने भी किए कौन जी के बारे में? बहुत सारे गाने भी किए तो काम होता रहता है। आई एग्री
जुबान मेरी कड़ी भी है, दिल मेरा साफ है, कौन क्या करता है सबका हिसाब, विश्वास नहीं किसी पर सब के बाद खुद ही करूँगा खुद के विश्वास, डरता मैं नहीं भोलेनाथ का साथ, मारे को मारता नहीं अपना इंतजार से, चुपड़ी चुपड़ी बोल के अल्लाह का बकवास, प्यार भरे पूरी किसकी ये आस, इसका नहीं कभी एक के भी सर पे चढ़ा है नहीं कितनी भी सूखी, अपनों ने दिया धोखा हूँ वरना निराश में, एक भी मधु है इस दुनिया का खास में, जुबान मेरी कड़ी भी है, दिल मेरा साफ है, कौन क्या करता है सबका हिसाब, विश्वास नहीं किसी पर सब के बाद खुद ही करूँगा खुद के
इसमें आप क्या लगे कौन कौन सी फिल्म मूवी आए लगातार मेरी चार फिल्म रिलीज में है भगवान काम कर रहा हूँ मराठी
का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको देख करके? देखिए ऐसी बात है, बच्चे हैं अभी सब अभी सीख रहे हैं, उसके लिए देखा कि कोरियोग्राफर से उनके आए हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये मुंबई में ड्रीम होता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे हमारे जो चैनल्स हैं जो रियलिटी शोज करते हैं, तो जो बच्चे रियलिटी शोज पर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए अच्छा मंच है और ये इवेंट दे रहा है मुंबई में। मतलब उनको कैसे होगा कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको एक अंदर से फील आ रहा है उनको कि रेल को भी बहुत बड़ा करना है, कुछ करना है, मुंबई में करना है। तो ये मतलब मेरे
साइलेंट रखेगा ना इंटरव्यू ले क्या यार ये लोग फोन चालू है ना फोन साइलेंट करवाओ क्या ये मुंबई में हम लोग एक्चुअली आसाम से आए हैं. आसाम से हम लोग पहली इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये मुंबई कार्निवल नाम का जो फर्स्ट टाइम एक म्यूजिक एंड डांस का कॉम्पिटिशन मुंबई में कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है. 150 पार्टिसिपेंट भी हम लोग यहीं पर आया हुआ है और ये आइकॉनिक स्टार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पर भी हम थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है. और इन फ्यूचर यही जो प्रोग्राम है हम रियलिटी शो के तरफ से रियलिटी शो हम लोग लेके जाना चाहते हैं. सर मुंबई में स्वागत करिए संकेत मोर्य जी का. इन्होंने बहुत उम्मीद से समय दिया है, छोटे छोटे यहाँ पर आए हुए हैं.
और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। और इनको सम्मान करेंगे न्यूटन हजारिका जी, और इसी के बाद ये फांसी का फंदा है, इसको भूलिएगा मत। कभी फिर फ्लॉप हो तो फांसी इसको इसलिए लगा रहा है कि लगाने गले में लटक जाइए अगर फिर फ्लॉप हो तो। ये न्यूटन हजारिका जी का पहले तो प्लान किया हुआ है, इतना लंबा पहुंचा देंगे। ये आसाम का बहुत बड़ा सम्मानजनक गमछा होता है क्योंकि मैंने वहाँ शो किया है डिब्रूगढ़ में। नितेश तिवारी जी का सम्मान हमारे सेंटर पे आ जाएंगे। सेकंड डायरेक्टर हमारी चंद्रिका मैम तांडव करते हुए सम्मान करेंगी न्यूटन हजारिका जी के साथ। बहुत बहुत थैंक यू। और इसी बात नितेश तिवारी जी का सम्मान हमारे सेंटर पे आ जाएंगे। सेकंड डायरेक्टर हमारी चंद्रिका मैम तांडव करते हुए सम्मान करेंगी न्यूटन हजारिका जी के साथ। बहुत बहुत थैंक यू। और इसी बात से सम्मान एक जोर का ताली से स्वागत करिए। ये कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा है अपने बॉलीवुड का। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। राजकुमार कनौजिया जी आप सर्च कर सकते हो। इसको सब जान एक जोर का ताली से स्वागत करिए। चाहेंगे आज के इस इवेंट में आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं इससे पहले गोवा कार्निवल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मुंबई कार्निवल में आकर के ऐसा लग रहा है कि अब गोवा कार्निवल जाने की जरूरत नहीं है। और ये अवार्ड अपने आप में दर्शाता है कि मुंबई का ही मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ट्रॉफी तरह। और मुंबई कार्निवल में बीइंग अ मुंबई कर मुझे मुंबई से सम्मानित हो रहा हूँ, इससे गर्वित बात और क्या हो सकती है। और वाकई बहुत हर्ष और उल्लास है। जैसा कि बच्चे लोग भी परफॉर्मेंस किएंगे, आप तो थोड़ा लेट आए होंगे वो देखेंगे, तो जो कार्निवल सिनेमा की तरफ से जो अवार्ड रखा गया कैसा लगा आपको? देखिए अवार्ड जब मिलता है तो जाहिर सी बात है हर किसी को अच्छा ही लगेगा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि
ये आपको एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है और आपको प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है कि इससे अच्छा और इससे बढ़कर के काम और आगे चल कर के करना है। और ये तो बस एक शुरुआत है, वो वैसा आरंभ है। और आपका क्या कुछ आने वाला प्रोजेक्ट कुछ बताएंगे? आने वाले मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, फिल्म है, वेब सीरीज है। जैसे अभी अभी एक ताज़ा खबर मेरी 5 तारीख को हुई है डिज्नी हॉटस्टार पे, फिर बाद में मेरी नेटफ्लिक्स पे आएगी राणा नायडू, फिर ट्विंकल खन्ना ने प्रोड्यूस की है फिल्म सलाम मुनी आपा, फिर सलमान खान कैटरीना कैफ की बहन को लॉन्च कर रिश्ता बेल, उसमें मेरा बहुत अहम किरदार है, फिर और ऐसे हाँ साइकिल बॉय करके फिल्म है। आपको भी मिलेगा मुंबई में भी? ऑफ कोर्स मुझे भी अभी मिलने वाला है।